आय आय हाय 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 हाय, क्या मौसम हुआ भाई यार, माशाल्लाह जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप सब? ठीक है तो यार वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज दोस्तों धूप नहीं निकली, लेकिन मौसम जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हुआ हुआ है, ये देखें। तो सबसे पहले यार परिंदों का दाना चेक कर लेते हैं कि परिंदों का दाना पूरा है कि नहीं पूरा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देता, क्योंकि हाँ यार परिंदों का दोस्तों दाना भी ख़त्म हुआ है और पानी भी ख़त्म हुआ है। पानी तकरीबन है लेकिन चेंज कर देंगे, पानी भी ख़त्म हुआ है तो इनको यार लाजमी डालेंगे, क्योंकि जंगली परिंदे दोस्तों यहाँ पे आके खाते हैं ना, मुझे बड़े ही खुशी होती है और सवाब का काम ही है यार एक किस्म का। जब उन परिंदों को पाल रहे हैं तो इनको भी पाल लेंगे, क्या बात है। तो अभी यार हमने सबसे पहले दोस्तों अभी घर नहीं जाना, हमने जाना है दोस्तों मार्केट। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, मार्केट के नाम से यार दिल खुश हो गया। तकरीबन हमें दोस्तों 2 से 2.5 महीने हो गए मार्केट नहीं गए, चक्कर ही नहीं लग रहा हमारा कोई, तो आज हम मार्केट जाने लगे हैं। वहाँ से देखते हैं या तो कूल्स हमें लेके आने हैं, कूल्स तो कूल्स आप लोगों को बताया था यार फीमेल्स लानी है, देखते हैं अगर फीमेल्स मिलती हैं तो ले आते हैं, और मार्केट में देख के आते हैं भाई क्या क्या न्यू बर्ड्स मार्केट में आया हुआ है, तो बाद में देखेंगे फिर लाना है कि नहीं लाना। अभी फ़िलहाल मार्केट का चक्कर लगाने चलते हैं भाई, चलते हैं फिर बस। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चलते हैं। तो इसको यार खुला रहने देते हैं, क्योंकि दिन में हम इसको खोल देते हैं गेट को, और रात के टाइम इसको हम कर देते हैं बंद, क्योंकि रात के टाइम ना बिल्ली आ जाती है घर में। हाय हाय हाय, क्या लुक है यार, 3 महीने बाद मार्केट की शक्ल देखी है। ओए होए होए होए, पहले यार बाइक लगाते हैं जाके, ठीक है उसके बाद चलते हैं मार्केट। यार आज तो यार मार्केट में अभी काफ़ी कुछ आया हुआ है, रैबिट्स भाई, खरगोश भाई, बिल्लियाँ छिलियाँ, ये भी आया है और मैं भी आया हूँ। ओए होए होए, क्यों दोस्तों केजेस का भी हम रेट शेट पता कर रहे हैं, अगर न्यू घर में हमें सेटअप बनाना पड़ गया तो हम ये वाले केजेस रखेंगे इंशाल्लाह। और इनक्यूबेटर भाई ने चलाए, ओरे भाई राह के बच्चे भी आए हैं भाई, अभी भी ये देखो राह के बच्चे आए हैं भाई, पता तो करो यार कितने के, रिंगनेक के भी हैं और राह के भी हैं, वाह भाई वाह क्या बात है। हाय 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 हाय, माशाल्लाह यार देखे कितने प्यारे हैं भाई। ये बच्चा कितने का? कैमरा बंद कर लो यार, इतने सबको जान भी सारे उठा लो यार, भाई चले गए हैं भाई। तो बटेर हमने ले लिया, इस दफ़ा यार हम कुछ ऐसे कलर के लेंगे जैसे ये बीच में रखा हुआ, ये देखें भाई माशाल्लाह देखें कितना प्यारा है। अभी तो यार ये बच्चे हैं, इनको पूरा अडल्ट होने में भी तकरीबन अभी महीना का लग जाएगा ना, तो चलें पकड़ते हैं फिर। चलो भाई चलो फीमेल ले भी। तो भाई बटेरे ले लिए आपके भाई ने, और इनमें यार काफ़ी ज़्यादा हैं, ये देखो यार इतने परिंदे हैं यार, सारे पकड़ लें मैं कह रहा यार। ओए होए होए, तो दोस्तों क्विल्स तो दोस्तों हमने पकड़ लिए हैं, और इस दफ़ा यार अली भाई ने निकाले, क्योंकि पहले भी हमारे साथ काफ़ी बारी धोखा हो चुका है। वो आपने निकाला ना, जिससे हमें धोखा ही हुआ। खैर तो चलते हैं भाई फिर घर, चलते हैं दोस्तों इनको लेके और छोड़ते हैं अपने कुल सेटअप पे। यार घर आते ही सबसे पहले तो हमें देखने को कुछ ये मिल रहा है, हमारी दोस्तों कुछ फिंचीज ना इस वाली एवरी के अंदर आ गई हैं, वो भी काफ़ी टाइम बाद, वरना आती नहीं थी, अब आज पता नहीं कैसे ही उस वाली एवरी के अंदर चली गई हैं। यहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें ये बैठी हुई दोस्तों, ये देखें 1, 2, तकरीबन 3 फिंचीज है ना। तो चलें यार दोस्तों निकालते हैं, अगर दोस्तों मैं ना पता होता ना तो यार हम खोल देते इनको, हमारे सारे फिंचेस उड़ जानी थी, तो शुक्र हमने वहाँ से देख लिया कि फिंचेस यहाँ पे उड़ रही हैं, तो जल्दी से जाके पहले इन्हीं को पकड़ते हैं, बाद में करेंगे जो करना, पहले यार इनको बाहर निकाल देते फिर अंदर चलते हैं। तो भाई इन सबको मैंने बाहर निकाल दिया, रैबिट्स भी बाहर आ गए हैं, तो पहले इन फिंचेस को पकड़ते हैं। और भाई इस दफ़ा मैंने गलती नहीं की हुई, ये मैंने पहले से ही बंद किया हुआ, ताकि अगर हम ना हो और पीछे से फिंच को इधर आ जाए ना तो हमें कोई मसला ना हो। 1, 2, 3 ये देख क्या हुआ, चेक करना नीचे से कुछ सुराख तो नहीं हट गया जिसकी वजह से बाहर आ जाए। हाँ ये रही, ये देखो ये ईंट हट गई है यहाँ पे से, ईंट हट गई है। हाँ तभी फिंचेस भाई यहाँ पे आई हैं हमारी, 1
दो और तीन, तो चलते हैं पकड़ते हैं। दोस्तों इनको पकड़ते हैं बड़े ही ध्यान से। और आजो भाई आजो 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 ये ओए, एक तो इतनी स्पीड है यार ये ना, दोस्तों भाग ही जाती हैं, तो इनको पकड़ना बड़ा ही मुश्किल काम है। ये देखे भाई ये रही दोस्तों वो फिंच। ये दोस्तों घर का मेल है हमारा, जो आप लोगों को याद होगा इसका बाप उड़ चुका था, ये वही बच्चा है, आप पकड़ा मैंने इसको, तो इसको हम ना यहाँ से छोड़ देते हैं उधर को। चलो जाओ भाई चलो चलो इधर हो गया। तो ये आ गई भाई दूसरी फिंच मेल, ये भी दोस्तों हमारा घर का बच्चा है जो कि निकला है, तो इसको भी छोड़ते हैं। चलो जाओ तुम भी इधर से जाओ 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 ए वो हो गया, अब आखिरी रह गया ये भी। और ये आ गई दोस्तों हमारी लास्ट फिंच, ये शायद हाँ ये पता नहीं हमारे घर की है कि नहीं, तो खैर इसको भी यहाँ से छोड़ देते हैं। चलो भाई जाओ एक मिनट, चलो भाई चलो 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 भाई। ये दोस्तों यहाँ से आए थे तो इनका सुराग ये देखें ये खुला हुआ, यहाँ से ही आएंगे, तो इसको ना मैं आगे कर देता हूँ ऐसे, अब नहीं आएंगी। तो यार मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ यार हमें पता चल गया, वरना तो भाई मसला हो जाएगा। तो आज दोस्तों हम ना मैं कैरेट जो है ना इनकी ब्रीक ब्रीक लेके आता हूँ, ताकि यार हमारे जो रैबिट्स के बच्चे हैं ना इनको खाने में कोई मसला ना हो, क्योंकि अभी छोटे हैं तो इनके आराम से खा लिया करेंगे। ये देखें छोटी छोटी से लाया हूँ ताकि इनको आसानी से खाने में आसानी हो। हमारा रैबिट मेल तो दोस्तों मैं भी क्यों बाहर क्यों नहीं आया, उसने कैरेट उठाई है और अपने घर के अंदर जा के खाना इसने शुरू कर दिया। वो देखें कितना चला के यार, ताकि कोई मुझसे छीन ही ना ले। ये देखें तो फिंचीज़ के मसले में हम तो भूल गए यार, हम कुछ लेके भी आए थे, तो चलें इनको यार छोड़ते हैं सेटअप पे। तो चलें यार पहले की तरह हम कोयल्स को ना यहाँ पे छोड़ते हैं, और इस दफ़ा हमने एक ऐसा कोयल लिया यार, वो ऐसे लग रहा है जैसे फैंसी सा नहीं होता, ये अलग ही तरह का, ये हमने फर्स्ट टाइम लिया। लेकिन यार अभी ये इनको कुछ ना कि मैं अगर केज के अंदर ही छोड़ देते हैं इनको। चलो दोस्तों इसके काम चेक करें यार, हमने दाना ला के रखा था, देखें यार इसकी ऐसी, चलो बाहर चलो, ओ देख चलो 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 इसको उठा लेते हैं यहाँ से। तो यार देखते हैं हमारी सील मुर्गी ने अंडा दिया कि नहीं दिया, देखो अभी दिया कि नहीं दिया, दे दिया दे दिया पड़ा हुआ यार, कुड़क नहीं हुई तकरीबन, इसने तकरीबन कोई दे दिए 8-10 अंडे, लेकिन अभी तक कुड़क नहीं हुई है इनको। यार दाना डाल दो शोरूम से यार। तो दोस्तों मैंने तो उनको ठिकाने लगा दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, और रैबिट्स के बच्चे तो आज भाई इंजॉय कर रहे हैं बाहर, पता नहीं क्या हुआ इनको, तो कह रहे हम अपना काम करके अंदर जाए। मेरे माइंड में यार ये आया था, मैंने कहा आज बटेर आ गए हैं, पता चले इन्होंने अंडा दे दिया हो तो मुझे गुस्सा चढ़ जाना था लेकिन इन्होंने नहीं दिया, तो चले यार इनके दोस्तों न्यू फ्रेंड्स आ गए हैं, इनको इनसे मिलवा देते हैं। तो हमारे दोस्तों काफ़ी पहले आप लोगों को याद हुआ तकरीबन 20 बटेर लेके आए थे, जिनमें से तकरीबन सारे मर गए और 7 बचे हुए थे, और अभी फाइनली फिर से हमारे कुल जा चुके हैं, तो इनको रिलीज़ करते हैं। चलो भाई जाओ, ये देखें अभी तो यार कितने छोटे से लग रहे हैं, वो देखो वो पीछे पड़ गया, वो देखो ये तो यार बच्चे लग रहे हैं बटेर। हम सारी फीमेल ही लाए हैं। हाँ दोस्तों 5 फीमेल्स लाए हैं बटेर की, और इनको छोड़ दें। चलो भाई जाओ तुम भी, 2 और भाई ये चलो तुम भी जाओ, अभी चौथी, और ये आ गया हमारा आखिरी कोयल, सबसे प्यारा यार मुझे ये लग रहा है, तो इसको भी छोड़ दो। चलो जाओ इनके काम चेक करें यार, ये सारे कोयल्स ना न्यू फीमेल्स को पता नहीं तंग कर रहे हैं। ये देखें इसको भी सारे बटे ना डरे डरे हुए हैं, तो अभी ना ये एक कोनों में जाके छुप गए हैं। देखें 3 यहाँ पे आके बैठ गए दोस्तों, ये देखें 3 ये हैं, और एक वो देखें ये पीछे पड़ रहा है, एक ये है, और चौथा पांचवा किधर गया, 3-4 और पांचवा शायद उस पेटी के पीछे। दोस्तों कल आप लोगों को पता है माई डब्स ने नुकसान कर दिया था, 7 अंडों में से 3 अंडे बचे थे, और अभी देखने को मिल रहा है यार अब 2 पड़े हैं बस, एक अंडा इन्होंने और फेंक दिया, मतलब घूम घुमा के आप वापसी सिर्फ 2 ही अंडों पे ही आए हैं ये। चलें यार इन जो करना चाहते हैं करें, हम नहीं रोकते। और हमारे कोकल पैरट्स, ओए माशाल्लाह यार कोकल पैरट ने भाई अंडा दे दिया है भाई, वाह भाई वाह क्या बात है, ज़बरदस्त लग नहीं रहा था यार हमारे कोकल पैरट्स अंडा देंगे, लेकिन चेक करें भाई माशाल्लाह दोस्तों क्या ही बात है, लगता है इसने या तो कल दिए या तो आज सुबह ही दिए। यार मुझे वैसे डायमंड डक्स की दोस्तों समझ नहीं आती यार ये करना क्या चाहती हैं आखिर, यहाँ पे इन्होंने दिए 7 अंडे जिसमें से सिर्फ 2 बचे हुए, और यहाँ पे आप लोगों को पता होगा सिर्फ 2 अंडे थे, और यहाँ पे मैंने आपको कहा था किसी के बैठने की जगह नहीं है,
लेकिन फिर भी डायमंड हाउस ने यार किसी ने आके एक और अंडा फेंक दिया। ये देखें यार पता नहीं क्या करना चाहती है यार इनका ना। मैंने आप लोगों को कहा है कुछ करते हैं इनको ना सेपरेट सेपरेट केज में हमें करना पड़ेगा ताकि इनकी भीड़ हमारे पास सही आए। देखते हैं अब जो होता है उसे होने देते हैं। चले यार अच्छी बात है लेकिन हमारी फिंचेज ने ना अभी तक कोई भी रीड नहीं की। मुझे जो लग रहा है दोस्तों ये नेस्टिंग मटेरियल के इंतज़ार में, और दूसरी बात ये है कि इनको कोई मटकी नहीं मिल रही क्योंकि एक मटकी ये है इसमें पता नहीं कोई जाता है कि नहीं जाता, वो भी इनका घोंसला पुराना हो गया है और इसमें डापने अंडे दे दिए हैं, ये भी खाली पड़ी है और जो ये केजेस हैं सारे अंदर बने हैं ये भी ख़राब हैं सारे। तो यार हमारे प्रिंस दोस्तों क्या करते हैं ये करते हैं कि जिस मटकी के अंदर इन्होंने एक से दो बारी भीड़ कर ली हो ना उसके बाद फिर उस मटकी के अंदर अंडे नहीं देते, ये कहते हैं हमें नया घोंसला दो। तो हमने इनको क्या करेंगे यार इनके ना कुछ सेटिंग हम बनाते हैं कि इनकी ना मतलब मटकी छटकी जो ना एक ही लाइन में हम इस तरीके से लगा देते हैं ताकि हमें देखने को ये मिले। जैसे हमने 200 लवर इसकी को क्या कहते हैं डायमंड हाउस की ना 1 2 3 है मतलब इस टाइप का डायमंड हाउस का सेटअप हो जाएगा और इस वाली साइड पे हम लगा देंगे अपने फिंचेस का सेटअप। तो मतलब उस एवरी के अंदर नहीं कह रहा मतलब ये जो दीवार है ना ये लकड़ी की है जो मतलब यहाँ पे 200 मटकियों की ना एक लाइन बना देंगे ताकि फिंचेस की जो है ना यहाँ सेटअप बन जाए और डल्स का यहाँ पे। तो ये भी हम करते हैं कुछ दिन तक। मुझे जो लग रहा है दोस्तों आज ना बारिश होगी क्योंकि मौसम में मुझे कुछ गार्डन सा लग रहा है तो शायद आज बारिश हो जाए और हमारे रैबिट्स के बच्चे अब मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा यार काफ़ी भाई मुझे कमेंट बॉक्स में कह रहे थे भाई आप मुर्गी के अंडे जो है ना ज़ाया ना करें, आप इन अंडों को इनक्यूबेटर में रख दें क्योंकि जब बत्तख के बच्चे निकलेंगे ना तब इन्हीं के बच्चे भी जो आप बाद में अंडे रखे रहे उनमें से भी बच्चे निकल आएंगे। बस यार आप लोगों का आइडिया तो ज़बरदस्त है, आप लोगों की सोच को सलाम यार। तो इस अंडे को भी फिर हम इनक्यूबेटर में रख देंगे फिर तकरीबन 10 दिन बाद बच्चे निकलेंगे जब वो उन्हें निकल आएंगे बत्तख के साथ ही निकल आएंगे। हाँ आ गया भाई हमारा न्यू वाला जाते ही तो इसको अंदर छोड़ दिया किसी काम से फिर अंदर आया था तो हमारे 2 बटेर भाग चुके हैं अंदर तो पकड़ते चलो चलो भाई इनके पीछे मुझे अंदर जाना पड़ रहा है। मैं इधर यार देखने आया था पानी की तरह चाहिए तो बटेरे भाग गया। ओए इधर दूसरा ये इधर आओ भाई वो भाग गया। ओए होए 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 तो इनको वापस छोड़ देते हैं इनके पानाने घर में क्या करके रहेंगे ये देखना। ऊपर से इन्होंने यहाँ से छापर फाड़ के सारा दाना गिरा दिया और ये खाने में लगे हैं। इनको डाला था हमने पीछे ये देखो सारा फाड़ दिया। दोस्तों आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग कैसा था, मज़ा आया कि नहीं आया? कल मैंने आप लोगों को कहा था अभी मज़ा आने वाला है तो मज़ा आया कि नहीं आया, चर्स आए कि नहीं आया लाजमी बताइएगा। तो खैर वीडियो का एक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। अब तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार वरना मैं बता रहा हूँ आप लोगों को फिर मैं हाँ समझ जाओ। तो खैर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय बाय यार। बस इसी तरीके से प्यार दिखाते रहें मोहब्बत करते रहें आपके भाई के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। तो खैर तब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज़ बाय बाय।